दोस्तों दिनों दिन लाइट के नए नए मॉडल आते जा रहे हैं और अगर मैं बात करूं डिजिटेक लाइट्स की तो क्या ही बात है। दोस्तों डिजिटेक ने आज हमें भेजा है एक कमाल का स्टिक लाइट जिसका नाम है डिजिटेक DSL 30 वॉट RGB। दोस्तों आइए देखते हैं कि इस लाइट में क्या खास है, इसको करते हैं सबसे पहले अनबॉक्स, इसके सारे फीचर्स के बारे में डिटेल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं आपको सबसे पहले मिलता है यहाँ पे एक शानदार सा बैग। बैग की क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो बहुत प्रीमियम है। यहाँ पे इसका जो ये इसके जो जिपर्स हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और इसको जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हैं आपको सबसे पहले मिलता है आपका मेन हथियार, ये लाइट। लाइट की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो लाइट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका जो हैंडल है जिसे आप इजी वे पे इस तरीके से पकड़ के लाइट देते हैं ये काफी बढ़िया यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया हुआ है। एंड दोस्तों अच्छी बात यह है कि अब आपको डिजिटेक के इस DSL 30 वॉट की जो लाइट है इसमें आपको कोई भी एडिशनल बैटरी यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों इसमें जो इनबिल्ट बैटरी आती है वो है 5200 mAh की, जो कि काफी अच्छी और हैवीएस्ट बैटरी में से एक है। अगर आप इसको एक बार फुल चार्ज कर लेंगे तो ये काफी लंबे समय तक टिकती है, काफी लंबे समय तक आप इसे लाइट गेन कर सकते हैं। दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो पैनल लगा हुआ है ये काफी प्रीमियम है, यानी कि हल्की क्वालिटी इसकी इस बार बिल्कुल भी नहीं लग रही है। भाई दोस्तों इसके ओवरऑल लुक एंड इसके सारे स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस लाइट की बात करूं तो आपको यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। इसके ये जो बांडोर्स हैं ये काफी अच्छे हैं और लाइट का जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको सिंगल एक ही तरफ से सारी लाइट्स मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा बटन है, यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप टाइप का दिया हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे और इसमें जो अलग अलग अटैचमेंट आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें बहुत सारे अटैचमेंट भी आते हैं, उन अटैचमेंट्स को आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आप इसको यहां से ऑन करते हैं आप देख सकते हैं कि लाइट को आप सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं इसके एसेसरीज के साथ। इसका ये एसेसरीज यहां से आप अटैच एंड डी अटैच कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी एडिशनल एसेसरीज नहीं लगी हुई है। इसमें से जो लाइट है वो काफी हार्श मुझे मिल रही है, लेकिन आपको डिजिटेक के इस लाइट के साथ मिलता है आपको दो तीन अलग अलग एसेसरीज जो कि मैं आपको यहां पे शो करता हूं। तो ये स्ट्रिप है, देखिए ये डिफ्यूजर स्ट्रिप है जिससे आप लाइट को डिफ्यूज कर सकते हैं। ये एक और डिफ्यूजर स्ट्रिप है, तो इस तरीके की दो डिफ्यूजर स्ट्रिप आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी सबसे खासियत जो है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है इस लाइट में, एंड वो है दोस्तों इसमें आपको मिलता है ग्रिड। मैंने अभी तक किसी भी दूसरे स्टिक लाइट में ग्रिड नहीं देखी है, तो ग्रिड का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रिड आपको मिल जाता है। ये ग्रिड आपको लगाने हैं कुछ इस तरीके से, सिंपली आप यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो एक ग्रिड और यहाँ पे दूसरा ग्रिड, तो दो ग्रिड लगने के बाद लाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे इसके जो दूसरे अटैचमेंट्स हैं लाइक ये जो डिफ्यूजर्स हैं अगर आपको ये लगाने हैं तो सिंपल है, यहाँ पे ऊपर एक बटन दिया हुआ है, इसको आपको इस तरीके से प्रेस करना है। मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन मैं सिंपल इस तरीके से प्रेस करूँगा और अब मेरी जो लाइट है जो काफ़ी हार्ड आ रही थी यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये लाइट मैंने ऑन की, ये लाइट जो हार्ड आपको आ रही है अगर मैं इस अटैचमेंट को लगाता हूँ तो ये लाइट हो जाती है बिल्कुल सॉफ्ट। अब आप अपने इस लाइट को बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों जैसा कि इसका नाम है DSL 30 वॉट RGB, RGB का मतलब ये कि आप इस लाइट को रेड ग्रीन ब्लू यानी कि इसमें RGB इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, कि इस लाइट को आप वार्म टोन एंड कूल टोन दोनों टोन पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके कूल टोन की बात करूं तो ये आपको देता है 2500 केल्विन, एंड अगर मैं इसके वार्म टोन की बात करूं तो ये आपको देता है 9900 केल्विन तक। एंड दोस्तों अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करूँ, डिफरेंट डिफरेंट इसके इफेक्ट की बात करूँ, तो ये आपको देता है टोटल 21+3 यानी कि 24 डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग के इफेक्ट, जिसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि आपको फ्लैश मिलता है, टॉर्च मिलता है, आपको सायरन मिल जाता है, आपको फ्लेम मिल जाता है, आपको कैंडल लाइट इफेक्ट मिल जाता है, आपको म्यूजिक इफेक्ट मिल जाता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलते हैं इस लाइट के साथ। सबसे अच्छी बात यह है इस लाइट की कि ये काफ़ी हैंडी है और अभी तक की जितनी भी स्टिक लाइट दोस्तों इसमें आई है उसमें ये सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइट है। अभी तक जितनी भी स्टिक लाइट आई है उसमें मैक्सिमम 23 वॉट या 25 वॉट तक की लाइट अभी तक मैंने देखी है। ये जो लाइट है DSL 30 वॉट ये 30 वॉट का आउटपुट आपको देता है, यानी कि आपको इसके लाइट की क्वालिटी यहीं से ही समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों बहुत पावरफुल लाइट है और बहुत ही एक्यूरेट इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी एक्यूरेट है। अगर मैं इसके CRI की बात करूं तो 95 इसका CRI रेट है। अगर मैं CRI के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही आप गूगल करेंगे, जिस लाइट की CRI जितनी ज़्यादा होगी उतना वो लाइट एक्यूरेट आपको रिजल्ट
देता है। यानी कि दोस्तों आप इस लाइट को शून्य पावर से लेके 100% पावर तक यूज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना लाइट को आप एक्यूरेसी के साथ दे सकते हैं। एंड अच्छी बात यह है इस लाइट की कि इस लाइट को आपको चार्ज करने के लिए मिलता है एक सी टाइप केबल, तो आप अपने किसी भी सी टाइप केबल से इसको चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसके साथ एक सी टाइप केबल मिलता है। एंड अगर इन केस ये लाइट की बैटरी खत्म हो गई आपकी, तो आप इस लाइट को पावर बैंक के साथ भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों लाइट के इस बैक पैनल में आपको यहाँ पे मिलता है इसके सारे कंट्रोल्स, तो आप यहाँ पे इसके सारे कंट्रोल्स देख सकते हैं। एक छोटा सा डिजिटल मीटर भी आपको मिलता है जिसमें आप इसके सारे इफेक्ट को देख सकते हैं। एंड इस लाइट को आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी इसके सारे इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे फीचर्स हैं DSL 30 वाट RGB में। आपको ये लाइट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आज डेट में इस लाइट की बहुत नीड थी, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी लाइट्स यूज़ किए उसका पावर मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अब मुझे पावर की कोई भी कमी फील यहाँ पे नहीं हो रही है। ये लाइट काफ़ी पावरफुल है। आपको ये लाइट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।